हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार, इस टाइम जो बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा था वो ये था कि सर, 1 महीने में हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा जो दिसंबर में बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं क्लास 12th के, उसमें हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएं। मैं कॉमर्स क्लास 12th के बच्चों की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, जिसके थ्रू अगर आप लोग प्रिपरेशन करोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा ही होगा। माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर, एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने एक बिजनेस स्टडीज की आप लोग लिए केस स्टडीज की बुक बनाई है, जिसका नाम है संजीवनी बूटी। इसके अंदर आपको 80 केस स्टडीज मिलेंगी, 100 क्वेश्चंस होंगे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ज्यादा महंगी बुक नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी। जो भी बच्चे परचेज करना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है ये 8700772320 पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको ये बुक पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगा। हर एक चैप्टर इसके अंदर इंक्लूडेड है, 80 केस स्टडीज है, 100 क्वेश्चंस है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। देखो, हमेशा याद रखना, बिना प्लानिंग के आगे मूव करना कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहता। वो बाय चांस हो सकता है कि कभी आपने कोई चीज बिना प्लान के करी हो, वो सही हो गई हो, लेकिन 99% चांसेस ये रहते हैं कि आपको स्ट्रेटेजीज बना के ही चलना पड़ता है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने कॉमर्स लास्ट 12th के बच्चों के लिए डे बाय डे बता दिया कि आप लोगों को कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो, फर्स्ट डे से लेकर 10th डे तक आप लोगों को बेसिकली क्या क्या करना है, यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स का बताया है। आप लोग के पास जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है उसको भी आप लोग साथ में लेके चल सकते हो। पहले दिन से लेके 10वें दिन तक आपको इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन 3 चैप्टर को खत्म करना है, ठीक है? इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड बीओपी, अच्छे से इन तीनों चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, समझना और याद करना है हर एक चीज को। बिजनेस स्टडीज में आप लोगों को चैप्टर 1 से लेके 4 तक अच्छे से आने चाहिए, 1 से लेके 4 तक, यानी कि प्लानिंग चैप्टर तक आपको अच्छे से आना चाहिए बिजनेस स्टडीज में। और अकाउंट्स में आपको फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये जो 3 चीजें हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये 3 चैप्टर्स आपको अच्छे से आने ही चाहिए। आपको पहले से लेके 10वें दिन तक यही चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में और अकाउंट्स में। जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें, जैसे सपोज टू भी 5 चैप्टर है तो आप 2 कर लो, 10 है तो 5 कर लो, मतलब हाफ चैप्टर्स आप एडिशनल सब्जेक्ट्स के भी साथ साथ लेके चल सकते हो। तो 1 से लेके 10वें दिन तक आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस करना जरूरी है। देखो, आप लोग के अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बन रहे होंगे, लेकिन आपको अपने मेन इन सब चीजों के लिए टाइम निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रोजेक्ट्स भी बनाओ, सब चीजें बनाओ, लेकिन इन चीजों के लिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। अब टाइम नहीं निकालोगे तो बताओ कब निकालोगे? 1 महीना रह गया आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इस तरीके से आप लोग मूव ऑन करोगे पहले से 10वें दिन तक। फिर 11वें दिन से लेके 15वें दिन तक आप लोगों को किस तरीके से फोकस करना है, आपको इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट, ये 3 चैप्टर्स निपटा लेने हैं एकदम अच्छे से। यहाँ पे 11 से लेके 15 तक आपके पास 5 दिन होते हैं, इकोनॉमिक्स में आप इजीली ये कर सकते हो। बिजनेस स्टडीज में आपको चैप्टर नंबर 5 और मार्केटिंग को एकदम अच्छे से खत्म करना है, चैप्टर नंबर 5 यानी कि ऑर्गेनाइजिंग और मार्केटिंग को। अकाउंट्स की बात करूँ तो सिर्फ एक ही चैप्टर रखा है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे, वो है इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन है, 5 दिन आप इश्यू ऑफ शेयर्स को अच्छे से निपटा सकते हो, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। जो भी आप लोग बुक फॉलो कर रहे हो उसके सारे क्वेश्चन साथ में आप लोग इलस्ट्रेशन भी कर लो प्रैक्टिस, ठीक है? देखो, 16th डे से और 20th डे तक आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। साथ में आप लोग अपने एडिशनल सब्जेक्ट्स को जरूर लेके चलना, जो भी मैथ्स है या हिंदी है, जो भी आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट्स है उनको साथ में लेके चलना। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो आपको इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस करना है, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 और एलपीजी, जो बाकी बचे हुए आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर्स हैं इनको आपको अच्छे से निपटा लेना है। बिजनेस स्टडीज में आप लोग क्या करोगे, संजीवनी बूटी को सॉल्व करोगे। संजीवनी बूटी में 100 क्वेश्चन है, 80 केस स्टडीज है, मैंने आपको शुरू में इसका इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने एक बुक बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है, इनको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अकाउंट्स की बात करूँ तो अकाउंटिंग रेशियोज करने हैं आपको, वर्टिकल बैलेंस शीट को लर्न करना और वर्टिकल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कि जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक का जो भी सिलेबस मारा है वो सब आपको 16th डे से 20th डे में कंप्लीट करना ही करना है, बहुत जरूरी है। 5 दिन में इन सब चीजों को निपटाना ही पड़ेगा आपको। अब देखो, 21st डे से लेके 30th डे तक आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करनी है और ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है। जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करो, जो भी आपको अच्छा सैंपल पेपर लगता है आप वो ले सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करो, सीबीएसई के सैंपल पेपर सॉल्व करो और बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तीसरी बात ये आती है कि आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना जरूरी होता है।
अगर आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो आपकी बॉडी उस तरीके से बिहेव नहीं करती जिस तरीके से करना चाहिए, सुटेबली बिहेव नहीं करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है, बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट, गेटिंग इट। तो यही स्ट्रेटेजीज है जिनको आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों का जो स्कोर है मैक्सिमाइज हो जाए। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।